नमस्कार दोस्तों, मैं अनिले सिंह पटियाला स्कूल भारतीय ब्रांड से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दृष्टिबाधित बच्चों को मैथमेटिक्स समझने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आज LCM वर्किंग मॉडल और SCF वर्किंग मॉडल लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें कफ और बॉल की सहायता से हम दृष्टिबाधित बच्चों को LCM सॉल्व करना और SCF सॉल्व करना बताते हैं। आइए हम इस मॉडल को समझते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा कि ढेर सारे कप रखे हुए हैं और इनमें बॉल दिए हैं। ये बॉल है जिनकी सहायता से हम सिखाते हैं बच्चों को। ये कप हैं जिनमें हम सामने की ओर देख रहे हैं, प्रिंट में 1, 2, 3, 4, 5 ये कप संख्या लिखी हुई है और इसमें हम ब्रेल की सहायता से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रेल डॉट्स भी बनाए हुए हैं जिनकी सहायता से कप की संख्या दृष्टिबाधित बच्चे हमारे समझ सकते हैं। इस मॉडल में जो बच्चों का कैलकुलेशन होता है ना, बहुत ही फास्ट होता है और वो मेंटल हो जाता है, माइंड मेकअप बच्चे आसानी से कर लेते हैं। इसको प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि हम LCM और SCF को जब बच्चे पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, भूल जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो इस मॉडल की सहायता से बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, इसमें 3, 4 और 6 का मैं LCM निकालता हूँ, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, इसी टाइप से मैं 4 और 6 की भी वॉल डाल कर रखा हूँ। तो इसमें क्या होता है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा जो कॉमन होगा वही हमारा LCM होगा। तो यहाँ पर 12 और 24 में 3 बॉल थे, हमारी संख्याएं भी 3 थी, तो यहाँ पर सबसे कॉमन छोटे संख्या जैसे 12 हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। इस टाइप से हम बच्चों को LCM सॉल्व करना बताते हैं। धन्यवाद। ब्रेक फ्री सॉल्यूशंस ब्रॉट टू यू बाय EI Labs एंड प्रोजेक्ट डिस्कवरी।